गुड इवनिंग बच्चों, कल हमने NMMS के तैयारी के तहत वर्ग एवं वर्गमूल हमारा जो पहला चैप्टर है वो शुरू किया था गणित का। आज हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे अपना पार्ट टू में, और आपको मैं तीन फॉर्मूले बताऊंगी जो आपने याद करने हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो आएगा हमारे पास a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आप इन फॉर्मूलों को यूज़ करके बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखती हूँ मैं यहाँ पर, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, तो इसका मान हमने बताना है। तो आपको दिख रहा है कि ये इस फॉर्मूले से हल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 56 प्लस 55 गुणा में 56 माइनस 55, इन दोनों को जोड़ दें आपके पास आएगा 111 गुणा में 1, और आपका उत्तर आ गया 111। तो इस प्रकार फॉर्मूले को यूज़ करके हम बहुत आसानी से कर सकते हैं प्रश्नों को। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं जिसमें हम इन्हीं तीन सूत्रों में से ही किसी को यूज करेंगे। प्रश्न है आपका यहाँ पर, 55 गुना में 55 माइनस 2 गुना में 25 गुना में 55 प्लस 25 गुना में 25 बटे 30 का स्क्वायर, हमने इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 55 गुना में 55 यानी 55 का स्क्वायर, फिर ये माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, और प्लस 25 का स्क्वायर। तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से, इसको अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 55 माइनस 25 का होल स्क्वायर बटे में 30 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 का स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास है 30 का स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे आपस में और हमें उत्तर प्राप्त होगा 1। इसमें से इसको घटा दिया तो ये दोनों कट गए और हमें 1 उत्तर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार फॉर्मूले का यूज करके सवाल जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं। आप इन फॉर्मूलों को यूज करें और इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मैं आपको आज फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देती हूँ, जिससे कि आप अपना
प्रैक्टिस भी कर सकें पिछला टॉपिक भी, और वर्गमूल से संबंधित सवाल जो हैं आपको आसानी से पेपर में आ जाए। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जिन्हें आप अपनी कॉपी में करें। पहला क्वेश्चन है, वर्गमूल बताने क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, गुणा में 900 का वर्गमूल की क्वेश्चन मार्क बराबर 4। तो हमने निकालना है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। दूसरा प्रश्न है, पैंसठ का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणा में x। इस प्रश्न में आपने x का मान बताना है, यानी कि x जो है वो कितने के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, 48 माइनस 8 का स्क्वायर बटे में 40, इसका उत्तर हमने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, 65 माइनस 56 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर इसके बराबर होगा। और पांचवा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करेंगे वो ये है, 57 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर बराबर 5 गुना में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। इन पांचों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करें और आसान सा यूनिट है ये वर्ग और वर्गमूल। आप कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी किताब में से, और इस टॉपिक को आज कंप्लीट करें। थैंक यू।